तो कांग्रेस में क्यों घुस रहा है चमड़ी है हर चीज खा लिया आपको हर मंत्री को हर मिनिस्टर को हर के साथ तेरा देन लेना है मुसलमानों के पहले सफ में बैठता हूं तो मैं तो हूं नहीं तो कहां से आ गया वोट कौन है इसके सिग्नेटरी कहां से आ गए क्या करने चाह रहे हैं तो इसमें बीजेपी और आरएसएस एस एस की हो, आ, फोर्स की क्या जरूरी है दबाव क्यों ला रहे हैं तो आरएसएस की दबाव ला रहा है ये साफी शादी उसको वापिस लिया क्या तू तो? हर चेहरा हर लिबास हर कोट हर ब्लेजर बदलाने से तो इंसान बदल जाएगा अगर तेरी चमड़ी तो वही है ना खाली हैसियत क्या है, है क्या है डिमांड क्या करेगा जो डिमांड अच्छी है तू तो जितने चोरों को माल दिया जितना माल वक्फ में दिया तू चार साल वक्फ का आरएसएस का था कितना माल लिया कितने कितने के ऊपर केस डाला कितने इंक्रोचमेंट के ऊपर रुकाया क्या किया तू बोलना बताया सा मौलाना शाफी सादी साहब की तरफ से जो है प्रेस मीट हुई और उसमें डिमांड किया जा रहा है कि मुसलमानों को जो है पांच मिनिस्ट्री पोस्ट दिया जाए और एक मुसलमान को जो है डिप्टी सीएम बनाया जाए तो इस बात से बहुत सारे लोग एतराज करते हुए बता रहे हैं कि शाफी सादी जो है आज तक बीजेपी के एजेंट बने रहे अचानक कैसा मुसलमानों से हमदर्दी जताने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को एक लीडर बनाने की भी यहाँ पर वो कोशिश कर रहे हैं तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे शाफी साफी शादी बोर्ड के चेयरमैन हैं हानरेबल चेयरमैन हैं सरकार आप बीजेपी के चेयरमैन है इन्हें बोर्ड के चेयरमैन हैं और भाजपा से दो बार मेंबरशिप बनाए और एक बार चेयरमैन बनाए हैं तो इसका मतलब बीजेपी बोल रही है अब कांग्रेस सरकार कर्नाटक में आई है तो ये तमाम कर्नाट मुसलमानों की ईद हुई ईद बनाए हमें मुसलमान ईद बनाने में सरकार आई तो इसमें बीजेपी और आरएसएस के हो फोर्स की क्या जरूरी है दबाव क्यों ला रहे हैं तो आरएसएस की दबाव ला रहा है ये शाफी शादी आज ए चेयरमैन अज ए मौलाना मेरी इज्जत है उनको वो उन्हें साबित करना है आज ए चेयरमैन वो चोर है डाकू है केड़ी है अक्यूज है और जो केस मई डाला वो केस में बेल नहीं लिया है पुलिस के आगे नहीं आया है कोर्ट के सामने नहीं आ रहा है छुप के फिर रहा है छपके फिर रहा है उन्हें इन्हें और ये चिक्कड़ बाबू दोनों बेल नहीं लिया है केस में इसका मतलब क्या है कभी किसी टाइम से उसको उठा के गाड़ी में बिठा के जा सकता है पुलिस कर्नाटक मेरी खौम का माल एक्शन किया मेरे खौम का माल लोगों को चोरों को दिया आज जो चौदह पंद्रह सत्रह करोड़ रुपए देके वापस वापिस छिना रहा है वो बोल रहा है सत्रह रुपए भी मेरे पास नहीं है ऐसे आदमी को तीन हजार घर बनने की इजाजत दिया हो कौन दियाफी शादी दिया। कैसे दिया अजे चेयरमैन दिया चेयरमैन कैसे दिया आर का चेयरमैन बना था तो इस अंदाज पे ये सुनी उलमा बोर्ड आर बनाई है भाजपा की है ये क्या नहीं आरएसएस से जुड़ी है क्या नहीं पी से जुड़ी है कहाँ है किसको मालूम है मुसलमान के तो है नहीं है क्योंकि मैं भी पहला मुसलमान हूँ मुसलमानों के पहले सफ़ में बैठता हूँ तो मैं तो हूँ नहीं तो कहाँ से आ गया बोर्ड कौन है इसके सिग्नेटरी कहाँ से आ गए क्या करने चाह रहे हैं इन्हों अब उसके बाद क्या करेंगे इिन्हू और दूसरी बात आज ए चेयरमैन होकर बोलना ज़रूरी नहीं है और मेरे लिए श्योर करके हम वादा कर दिया साबित करेगा डाकू चोर है ये शाफी शादी उन्हें खुद डी वाई सी सी एम बनने दो ना डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका बोल के आर एस एस का दबाव डाल के यानी कांग्रेस को बोल के डी वाई एम एल सी बन के उसके बाद डी वाई सी एम इन्हें खुद बनने दो किसको बनाने के वादा कर रहा है या दूसरे पांच या सात आदमी बनने दो इन्हें खुद भी बनने दो सब भी एक ही है मुसलमानों के लिए एक ही है जब ईद मनाए ईद की खुशी मना रहा है मुसलमान पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान पूरा हिंदुस्तान का आरएसएस पूरा हिंदुस्तान के हर पार्टी वाले मुसलमान को देख के डर रहा है चमक रहा है हल रहा है जो मोदी का कुछ नहीं चला जो ममता का कुछ नहीं चला जो एमजीआर का कुछ नहीं चला तो मुसलमान का चला ये चलना हिंदुस्तान में भी चलेगा अब इसी टाइम पे ये आरएसएस बोर्ड क्यों बना रहे हैं क्यों ये बोल रहा है मुसलमान का सीएम चाहिए डीवाई सी मुसलमान हर चीज बनाएगा मुसलमान चाहे तो हुकूमत बदलाएंगे हुकूमत को गिराएंगे इनको बदना जेल को भेजेंगे इनको जेल में ही फांसी देगा कोर्ट इतनी ताकत मुसलमान में है अपनी ताकत कोर्ट वोट से और दुआ से तू कौन होता है तेरी क्या है, अच्छी है, ना उनकी अच्छी है क्या है डिमांड क्या करेगा जो डिमांड अच्छी है तू जितने चोरों को माल दिया जितना माल वक् बोर्ड में दिया तू चार साल वक्फ बोर्ड का आरएसएस का था कितना माल लिया कितने कितने, कितने के ऊपर केस डाला कितने इंक्रोचमेंट के ऊपर रुकाया क्या किया तू बोलना कहा तुम तो ले लिया है साफी शादी जैसे पचास साफिया हैं वो पूरा माल ले लिए उसको लिया क्या उसको वापस लिया क्या तू तो? हर चेहरा हर लिबास हर कोट हर ब्लेजर बदलाने से तो इंसान बदल जाएगा अगर तेरी चमड़ी तो वही है ना खाने की चमड़ी है हर चीज़ खा लिया तो हर मंत्री को हर मिनिस्टर को हर के साथ तेरा देन लेन है अब वो देन लेन जिस जगह किया अभी तो डीवाईसीएम मुसलमान से किया तो भी लोग वही बोलेंगे आलम वही बोलेगा क्यों भी बना दो ना तो अभी इस अंदाज में हिंदुस्तान के अंदर ये गलत मैसेज दिया क्या मैसेज दिया मुसलमान मुसलमान की इतनी ताकत है ही है कौन ना बोला क्या मोदी ना बोला हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर ना बोला क्या नहीं अपना हाई कमांड कांग्रेस ना बोली और बी जे डी एस का आके कुत्ते का चमड़ी पेन लेके फिर रहा है जो मुसलमान का वोट नहीं गया वो भी समझ गई तुम क्या बोल रहा है किसका फायदा लेना चाह रहा है किसकी चीज क्या तेरा क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है बोल साफी शादी क्या तू कौन है तेरा क्या कंट्रीब्यूशन है और तेरी औकात क्या थी तेरी हैसियत क्या थी तेरी बुनियाद क्या है मुसलमानों में आज तेरा बंगला बना है आज तेरा दुबई में खतर में पैसा कहाँ से खतर वाला के डील कर रहा है कौन सा वक् बोर्ड का चेयरमैन कौन से कर लिए क्योंकि आरएसएस और बीजेपी की शक्ति बनी तेरे हाथ में तेरे साथ में कई की इन्फ्लुएंस बना और पैसा बना दौलत बनाए और तुम्हें तिजारत करने के साथ लायक बने वो तिजारत मंत्रियों से सरकार से लोगों से करने के लायक कैसा बन गया तो मुसलमान की खबर मुसलमान की कब्रस्तान की जगह बेचा तो लोगों को जो मकान बोलते हैं खबरस्तान होता है ऐसे मकानों को गिरवी रखा है और कई चीज़ों को रेजोल्यूशन बनाया कई बिल्डरों के हवाले किया जब जयाला शरीफ के पास तुम साइन किया बड़े मकान का ये इस रोख को किया इधर वो चिक्कड़ बाबू से किया इतना बड़ा मुजरिम है कोर्ट के सामने जाने के लिए तो अपस्टैंडिंग है तो दुबई जाता है तो खतर जाता है ये लोगों से क्या ताल्लुक आता है कर्नाटक अवकाफ़ी प्रॉपर्टी को कांग्रेस से भी तेरे को क्या ताल्लुक आता है भाजपा का नाम तुम खराब कर दिया तो धोखेबाज बन गया भाजपा और आर का तो कांग्रेस में क्यों घुस रहा है वो अपने आप अच्छे बन जाएंगे नहीं तो आ, अपने आप जालिम बन जाएंगे अपने आप जालिम चीफ मिनिस्टर बनेगा वो लोग मुसलमान हैं समझ इन्हें दारू पीने वाला तेरे से का दौलत और कोट बदलाने वाला मुसलमानों में नहीं है मुसलमान के जज्बात समझ तो तेरे मुख्य कैसे आदमी को भी चीफ मिनिस्टर को भी सूरत काली करेगी बदुआ करेगी कोई आदमी क्या भी नहीं कर सकता है तुम जो गलत काम किया हर जात को रोक दिया अभी लिंगाए चाहिए फला हो फला हो जो कांग्रेस के ऊपर दुआ मुसलमान क्यों हुई थी अभी ये कांग्रेस को तुम नाराज कर दिया कांग्रेस की सूरत काली कर दिया अभी कांग्रेस को कुछ क्यों किया तेरा क्या कंट्रीब्यूशन है कम से कम तेरा वोट डाला क्या तू कहां वाला है तू कहां से वोट डाला क्यों किया तो कांग्रेस की सूरत काली किया कांग्रेस का, का काम कांग्रेस करती मुसलमानों की दुआ से कांग्रेस बनी है ना हुकूमत बनी तो पचास साल से जो नहीं थी कांग्रेस कहां से बन गई तो मुसलमान नमाज पढ़ के दुआ करी तो बनी उसको गारत करने भी मुसलमान को मालूम है अच्छा पांच हानरेबल मिनिस्टर्स एक डिप्टी कमिश्नर डिप्टी सीएम क्या करेगा बोल क्या करेगा होम मिनिस्टर क्या करेगा बोल चिट्ठी देना तू जब चिट्ठी नहीं दिया रहा कपड़ा काट के नंगा खड़ना उधर कुछ मालूम नहीं तेरे को क्या करेगा ये पांच मंत्री कैबिनेट ये डी मुसलमानों के लिए क्या करेगा हुकूमत के लिए क्या करेगा मेरे कन्नड़ी का भाइयों के लिए क्या करेगा सात करोड़ मुसलमानों कर पॉपुलेशन के लिए क्या करेगा क्या सिर्फ पचास या पचहत्तर लाख मुसल एक करोड़ मुसलमानों के लिए करेगा तो पूरे स्टेट को क्या करेगा चिट्ठी बनाया क्या उलिमा बोर्ड की भी फतवा की चिट्ठी कहाँ है क्या चीज़ चाहिए क्या भीख लेंगे खबर कुछ जगह नहीं है तेरे को उसका सदर बनाया गया मुसलमान के खबर को जगह नहीं है बेंगलुर में कहाँ जा रहा है अपना मोहता लेके जा रहा है अपना सिंह चंद्रा और अपना वीर चंद्रा छोड़ के जा रहा है अपनी दफन के लिए तो हर एम जो ते जो तू जिसका नाम ले रहा है वो चिट्ठी दे रहा है खबरस्तानों मसाजिदों के बेंगलुर के अंदर मफतून के लिए कहाँ जगह वो जगह लिया क्या वो जगह के लिए काम किया क्या जो ऐसे ही मंत्री हम बने थे उनके पास जो जगह है खबरस्तानों की वो वापसी का दावा किया क्या दुआ किया क्या क्या तू तो मुसलमान है क्या मुसलमान है क्या तू तो वोटर नहीं है मुसलमान नहीं है अक्यूज है क्रिमिनल है कानून के खिलाफ जा रहा है भाजपा का तू अपना सहारा ले रहा है कितने दिन जीगा तेरी क्या औखा है सलेमा सुन्नी उलमा बोर्ड का बनाने का कितने हज़ार आदमी इसमें सिग्नेटरी हैं कितने लाख आदमी इसके सिग्नेटरी हैं और कितना माल तू वापिस लिया है कितने लोगों के ऊपर तू केस डाला है और ये पांच माह ये मंत्री और एक डिप्टी सी चीफ मिनिस्टर क्या काम करेगा अर्जी कहाँ है क्या करेगा और खबरस्तान की जगह लूटेगा खबरस्तानों में बंगले बनाएगा सभी तमाम गुनहगार काम है शरीयत छोड़ के काम कर रहा है सजदे की कोई उम्मीद नहीं है तेरे को सजदा जाके ये लोगों के सामने कर रहा है पहले भाजपा के साथ किया और ये बात क्लियर कर दे तो आर का है क्या भाजपा का है क्या उनको धोखा दिया क्या नहीं दिया कांग्रेस में कैसा आया कांग्रेस में क्या मांग रहा है किसको मांग रहा है ये लोग आके मुसलमानों के लिए क्या करेंगे नहीं करेंगे तो भी तेरी सूरत जैसी काली हुई है काली हो रही है ऐसे ही हो जाएगी ये लोगों की भी इसे तेरी मांग से नहीं मिलने से कोई बात नहीं है मुसलमान के दुआ से शरीयत के ताकत से चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ़ इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ़ अमेरिका मुसलमान ही बनेगा इतनी ताकत आएगी तेरी कोई बात तेरी रिश्वतखोरी बात तो पैसा मूटे में भर के जाता है ना वो चीज़ से नहीं बनती है तो तुम ऐसा कभी ये लोगों से चाहे एक दो चार मंत्रियों से रहो फला रो, तो ये गंदगी काम करके ये छेर ये बोर्ड ये फलां करने के तू करने का काम नहीं करना है कोई फ़ायदा पांच और एक डीसीएम से नहीं है हमारी दुआ से हर चीज़ हो जाएगा कांग्रेस का मुंह काला किया तू